बाहर से चले जाना था, मार्केट के अंदर आ गया मैं। यहाँ पे है लोग, अभी हॉर्न मारूंगा तो भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ये लोगों के चलने के लिए है ना, कि मोटरसाइकिल घुसाने के लिए। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और मज़े में ही रहो। और आज की वीडियो की शुरुआत तो मकाती से होनी थी, क्योंकि मुझे मकाती में अभी भी जाना है, मतलब तो शुरुआत वहाँ से होनी थी, लेकिन किसी वजह से यहाँ पे रुकना पड़ा। और मतलब यहाँ पे तो नहीं रुकना पड़ा, रुकना तो मेन हाईवे पे था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो क्यों ना ब्लॉग की शुरुआत यहीं से कर ली जाए। सत श्री अकाल, नमस्कार, सलाम अलैकुम, मेरा नाम पप्पी गरेवाल, वेलकम टू माई YouTube चैनल। और जो धूप है ना, बीच बीच में अच्छी हो रही है, तेज़ हो रही है, बीच बीच में जा रही है, ठीक है। और मुझे लगता है कि कुछ टाइम में बारिश हो जाएगी, क्योंकि मौसम इतना कुछ खास ठीक है नहीं, ठीक है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। और यहाँ से मेरे को एक काम है मकाती में, ज़्यादा तो नहीं है, 10 मिनट का काम है, और छोटे मोटे और काम है वो अपने एरिया में है। और यहाँ पे शोर काफ़ी है, क्योंकि व्यू बड़ा अच्छा है यहाँ पे, लेकिन बिल्कुल साथ में है रोड हाईवे ये वाला, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत आता जाता है ना, तो आवाज़ काफ़ी आती है, तो आप लोगों को काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही होगी। तो मैं तो यहाँ पे जस्ट वीडियो की शुरुआत करने के लिए थोड़ा यहाँ पे आ गया। वैसे काम तो अपना मेन हाईवे पे था, किसी को किसी से कुछ रिसीव करना था, वो तो हो गया है, ठीक है। तो बस अभी मैं निकल रहा हूँ मकाती के लिए, मकाती से छोटे मोटे काम करके हम लोग निकलेंगे घर के लिए, क्योंकि अपने को आज छोटे मोटे काम काफ़ी हैं, लेकिन अपने एरिया में। और कैथरीन की आपको पता है आईडियाँ सारी गुम हो गई थी ना, तो उसने एक आईडी अप्लाई की थी, तो वो मुझे रिसीव करने के लिए भी जाना है, तो देखते हैं दिन कैसा जाता है। हाँ, तो फाइनली यार मैं आ गया था मकाती में, और मुझे भूख बड़ी लगी है, इसलिए मैं जल्दी से इस मॉल में एंटर हो गया। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे तो कुछ भी नहीं है खाने के लिए, तो थोड़ा सा और देखता हूँ, शायद नीचे है कुछ जुगाड़ खाने के लिए। तो पहले तो कुछ खाऊँगा, और मैं सोच रहा हूँ अभी आया तो हूँ मकाती में, दूसरे चैनल के लिए अभी वीडियो बना लूँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आई बटन पे शो हो जाएगा, टच करके उस वीडियो को देख सकते हो आप लोग। तो चलो कुछ खाते हैं पहले। तो यार भूख इतनी लगी थी कि अंदर जब भी मैं खाना खाने के लिए बैठा, वीडियो बनाने का भूल गया। तो अभी मैं थोड़ा बाहर आया हूँ, और अपनी जो दूसरी वीडियो है वो मुझे अभी मैं शूट कर रहा हूँ, दूसरे चैनल वाली भी। तो अभी के लिए क्या था कि पुराना जो ब्लॉग था वो थोड़ा सा एडिट करने वाला बाकी था, तो मैंने सोचा अभी कर देता हूँ, अपलोड कर दूँगा अभी के अभी, और डिलीट कर दूँगा, तो मेमोरी थोड़ी स्पेस मुझे मिल जाएगी थोड़ा और वीडियो ज़्यादा शूट करने के लिए। तो ये जुगाड़ हो रहा है यहाँ पर बैठ के, 5 मिनट लगेंगे अपने को और। तो यार वीडियो एडिटिंग के चक्कर में बहुत टाइम लग गया, तो मैंने सोचा था कि जल्दी हो जाएगा काम 5-10 मिनट में, लेकिन 1 घंटा लग गया। पहले वीडियो को थोड़ी सी एडिट करने वाली थी, एडिट किया और उसको अपलोड किया, 1 घंटा लग गया। तो अभी मुझे दूसरे चैनल के लिए थोड़ी सी वीडियो बनाऊँगा, और घर के लिए जल्दी से निकलूँगा, क्योंकि अपने काम काफ़ी पेंडिंग है। तो बस अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से, जो भी बातचीत है बाकी घर जाके करते हैं। तो अभी के लिए मैं क्या घर के लिए जा रहा था, और रास्ते में ये मॉल में से मतलब मैं क्रॉसिंग कर रहा था, तो पता नहीं क्यों इस मॉल को देख के मुझे सिंगापुर एयरपोर्ट वाली फीलिंग आ गई, बहुत अच्छी फीलिंग है, मतलब अच्छी फीलिंग आई। तो जस्ट मैंने सोचा कि बताता हूँ आप लोगों को भी। तो ये है कुछ व्यू, पता नहीं क्यों, मतलब वैसा तो नहीं है देखने में, लेकिन वैसी फील आई, पता नहीं क्यों।
हाँ तो यार आज भी आते आते मुझे रात के 7 बज गए, तो मैंने सोचा था कि जल्दी आऊँगा क्योंकि 2-4 काम थे करने वाले, वो सारे रह गए। मैं वीडियो शूट करने लग गया अपने दूसरे चैनल के लिए, मकाती में मतलब घूमने लग गया, तो बस उस चक्कर में पता नहीं चला कि कब दिन ख़त्म हो गया और रात हो गई। और अभी जस्ट मैं 15-20 मिनट पहले ही घर में आया था और अभी मैं जा रहा हूँ कैथरीन को लेने के लिए। कैथरीन का मैसेज आ गया कि वो आ रही है काम से वापस, तो बोलती है कि मुझे ले जाना, तो बस मैं उधर ही आया था। मार्केट व्यू देख लीजिए, आज सुबह से दोपहर तक काफ़ी बारिश हुई है, लेकिन नीचे देखोगे तो लग रहा है कि बारिश नहीं हुई है, लेकिन बारिश काफ़ी हुई है सुबह। ये देखो किस तरह से बैठे हैं लोग, ओहो यार बाहर बाहर से चले जाना था, मार्केट के अंदर आ गया मैं। यहाँ पे है लोग, अभी हॉर्न मारूंगा तो भी अच्छा नहीं लगता है ना, क्योंकि ये लोगों के चलने के लिए है ना कि मोटरसाइकिल घुसाने के लिए, लेकिन चलो ठीक है। बाकी वीडियो को शुरू से देख के यहाँ तक पहुँची गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब। कैथरीन मुझे लगता है पहुँच गई होगी यहाँ पे, तो मैसेज आए हुए 15 मिनट हो गए। हाँ नहीं आई है अभी, वो लग रही है दूर से, तो चलो देखता हूँ कोई बात नहीं। चलो तो ये रही कैथरीन, मैं दूर से देख लिया, मेरे को कुछ ले रही है दुकान से। हाय टू एवरीवन, हाय ना, हाय अंतो, हाँ सही। चलो तो कैथरीन बोल रही है कि सेब लेके आते हैं, तो मैंने बोला चलो ले आते हैं। तो मेरा यार ये जो हेलमेट है ना ये कंफर्टेबल नहीं है, तो कैमरा हल्का सा हिलता रहता है, जिसकी वजह से वीडियो की क्वालिटी प्रॉपर नहीं आ पाती, तो इसका मैं जल्दी सोल्यूशन निकालूंगा कि ये हिलने से हटे या इसका एंगल जो है ना पूरा चेंज करने वाला है सिस्टम, तो वो मैं नया लेके पूरा सही करूंगा इसे अच्छे से। व्हाट यू वांट यू टेक, ये देखो किस तरह से जो अपने इंडियन मैंगो होते हैं ना काट काट के रखे हैं इन लोगों ने, और ये शायद 20-20 पैसों में देते हैं। इसी तरह से वो वाटरमेलन होते हैं ना, खरबूजा कहते हैं, तरबूज कहते हैं शायद, वो भी इस तरह से काट काट के रखा होता है यहाँ पे। वाटरमेलन मतलब, चलो तो बाकी बात चीज़ यार घर जाके करते हैं ठीक है, हम यहाँ से थोड़ी एक दो चीज़ें लेनी है ले लेते हैं पहले। मॉर्निंग एवरीवन, तो अभी अभी मैं इधर से चल के आया, ये शॉट जो मैंने लिया वीडियो में एंगल जो लिया, ये लेने की वैसे ज़रूरत नहीं थी, लेकिन आपको पजामा भी दिखाना था ना जो कैथरीन ने नया ख़रीदा था, एक टांग और, तो इसको दिखाने के चक्कर में ये एक छोटा सा एंगल लिया। तो कमेंट करके ज़रूर बता देना कैसा लगा। और बाकी यार सुबह से बड़ी ज़बरदस्त हवा चल रही है, लोगों की ये जो टीन डाली हुई है ना छतों के ऊपर, ऐसे ऐसे आवाज़ें आ रही हैं कड़ कड़। अभी थोड़ी सी हवा कम हुई थी तो मैंने सोचा चलो वीडियो की शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम फिलीपीन। तो मुझे पहले यार घर में पानी ख़त्म हुआ है, पानी लेने के लिए बाहर जाना है।
तो भाई हवा देखो कितनी चल रही है, ये देखो पेड़ पौधे, ये देखो बहुत तेज हवा है। तो कैथरीन ने ना 3-4 दिन पहले ये बैग मेरे लिए ऑर्डर किया था। वो बोलती है कि तुम्हारा जो बैग है ना बहुत बड़ा है, ये देखो काफ़ी बड़ा है, मतलब अनकंफर्टेबल सा हो जाता है क्योंकि इतना सामान तो होता नहीं है, तो थोड़ी सी चीज़ें होती हैं। तो ये बोलती है कि ये काफ़ी तुम्हें कंफर्टेबल रहेगा, सारी चीज़ें आ जाएंगी, पानी वाली बोतल, छतरी जो इम्पोर्टेंट होती है यहाँ पर क्योंकि बारिश का कोई भरोसा नहीं होता है ना, तो बाकी एक दो टी शर्टें और जो छोटी मोटी अपनी एसेसरी होती है वो सारा कुछ इसमें कंफर्टेबल आ सकता है। तो उस टाइम जिस टाइम ये ऑर्डर किया था ना तभी लॉकडाउन वाला सीन का पता नहीं था, तो लॉकडाउन वाला सिस्टम तो उसके बाद आया है। तो चलो मौका मिलेगा तो यूज़ करेंगे, कोशिश कर रहा हूँ कि आज ही इसे यूज़ किया जाए। और मुझे लगता है कि यार इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। और उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, थोड़ा बहुत शेयर कर दिया करो जिससे ग्रोथ हो जाए जल्दी से। कल मिलेंगे नई वीडियो में, बाय।